तो कल की एक्टिविटी के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है एक पेपर A4 साइज़ का, ब्रश मोटा, इससे भी मोटा अगर हो आपके पास, जितना मोटा होगा बच्चे के लिए उतना पकड़ने में और करने में इजी होगा। अगर ब्रश की जगह हम ड्रॉपर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, या छोटा सा स्पॉन्ज ले सकते हैं, या छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ब्लू कलर और वाइट कलर, बाउल ऑफ वाटर और एक रफ कपड़ा। इन कलर से हम दो कलर बनाएंगे जो हमें क्लास में बनाकर लाने हैं, और वो आपको इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में मैं बनाना बताऊंगी कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है और कैसे कलर बनाना है। एक एप्रन जो बच्चे कलर काम करते समय पहन सके, तो इस ट्रिप क्रॉप पेंटिंग के लिए हमें दो कलर चाहिए होंगे, एक ब्लू जो भी ब्लू हमारे पास है वो, और दूसरा लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू हम ब्लू को और वाइट को मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में या ग्लास में ब्लू कलर लिया और उसको पानी मिला के थोड़ा सा मैं पतला कर दूंगी। ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है कि ड्रॉपर से जो उठ जाए, और अगर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तभी भी थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, थोड़ा इस टाइप से, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे नहीं तो कलर बहुत लाइट हो जाता है। अब मैंने इस थोड़ा सा वाइट लिया है और इसमें मैं वाइट मिक्स कर दी। हम ब्रश धो के वाइट लेंगे ताकि हमारा जो वाइट है वो गंदा ना हो। हम प्रकृति का लोगो बना रहे हैं तो उसमें लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों हैं, तो लाइट ब्लू जो है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन थिंग इज हमें दो कलर चाहिए, लाइट ब्लू और ब्लू, और दूसरा थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी हो ताकि वो ड्रॉपर से भी उठ सके हमें, क्योंकि ड्रॉप करके गिराना है कुछ इस तरीके से।